हेलो भाई, गति की को आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ तक हमने पढ़ा उसी के आगे, निमन दिए गए ग्राफों से, निमन दिए गए ग्राफों से ऊष्मा गतिकी का कौन सा प्रक्रम प्रदर्शित होता है? निमन दिए गए ग्राफ से ऊष्मा गतिकी का उष्मागतिकी का कौन सा प्रक्रम प्रदर्शित होता है? पहला, मैंने दाब और आयतन के बीच एक ग्राफ बनाया, वाई एक्स पे पी रखा और एक्स एक्स पे वी रखा। पी यहाँ वेग नहीं है, यह है पात्र का आयतन। पी क्या है? गैस का दाब। अगर ग्राफ ऐसा आए, ये कौन सा प्रक्रम है? इसी में अगला बी ग्राफ मैंने बनाया, ये भी दाब आयतन के बीच बना रहा हूं। किसी भी गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जो किसी पात्र में उपस्थित, ये दाब है, ये उसका आयतन है। पर यहां मैंने ग्राफ बनाया, ये कौन सा प्रक्रम है? ई अगला, ऐसे ही अगर मैं इसी ग्राफ बनाऊं, दाब और आयतन के बीच अगर ऐसा ग्राफ आए, यह ऊष्मा गति की कौन से प्रक्रम को आए? बोलो। देखिए, मैंने तीन ग्राफ बनाए हैं, तीनों ग्राफों से आपको ये पहचानना है, पहला कौन सा प्रक्रम है, दूसरा कौन सा प्रक्रम है और तीसरा कौन सा प्रक्रम है। इस ग्राफ से हम ये पता पड़ रहा है, देखो एक मिनट, इस ग्राफ में इधर से इधर जाने पर यहाँ मान कितना है? जीरो मान लो, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन है, यहाँ दाब एक एटीएम, दो एटीएम, तीन चार। ऐसे जैसे जैसे ग्राफ में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना, इसका मान क्या है? स्थिर। का मतलब है ये ग्राफ क्या बता रहा है कि आप आयतन का मान कितना भी बढ़ाओ, ये दाब क्या है यहाँ? इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है? समदाब। ये क्या है ना? ये समदाब ही है, क्योंकि यहाँ क्या है? पी कॉन्स्टेंट बोले तो क्या है? नियर। अगला बताओ, यहाँ यहाँ देख लो, दाब का मान चाहे आप कितना ही बढ़ा दो, आयतन का मान मान लो यहाँ पांच है, तो चाहे पी का मान आप कितना ही बढ़ाओ, क्या रहेगा? पांच ही रहेगा। का मतलब यहाँ आयतन क्या है? स्थिर। का मतलब ये कौन सा प्रक्रम है? ये है सम आयतनी। अगला बताओ, ये कौन सा प्रक्रम? जैसे जैसे आयतन बढ़ा रहे हैं, पी का मान क्या हो रहा है? घट रहा। का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? दाब और आयतन एक दूसरे क्या है? विपरीत क्रमानुपाती। का मतलब दाब बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा? घटेगा, और अगर आयतन का मान बढ़ेगा तो दाब भी क्या होगा? घटेगा। ऐसे ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती का। एक एक का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, और एक का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जो ऐसा ग्राफ आता है, इस ग्राफ को कैसा ग्राफ बोला जाता है? आयताकार अति परवलय। क्या बोला जाता है? आयताकार अति परवलय ग्राफ बोला जाता है। का मतलब ये कौन सा प्रक्रम है? बताओ कौन सा प्रक्रम है? अरे पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। एन तो किसी गैस के मोल क्या है? फिक्स। आर भी क्या है? फिक्स। का मतलब यहाँ एक समान क्या है? ताप। का मतलब ये ग्राफ किसका है? समताप ये प्रक्रम का। तो आपको अलग अलग ग्राफ देख के पता है कि दिया गया ग्राफ कौन सा है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसी गैस के लिए दिए गए दाब आयतन वक्र में कौन से प्रक्रम को प्रदर्शित करता है? कई जो रखने वाले हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, चाहे आप आयतन का मान कितना ही बढ़ाओ, दाब स्थिर है। यहाँ मैं पांच लिख दिया, आज दाब का मान केवल पांच ही है। ऐसे मैंने यहाँ आयतन का मान लिख दिया 5 लीटर, आप दाब कितना ही बढ़ाओ, आयतन क्या है? पूरा एक सम। इसका मतलब ये समदाबीय प्रक्रम है, ये समायतनिक प्रक्रम है, और ये कैसा प्रक्रम है? समतापीय प्रक्रम। क्वेश्चन ऐसे पूछता, उनमें से दिया गया ग्राफ कौन से प्रक्रम को प्रदर्शित करता है? चलो भाई, ये हमने क्वेश्चन किया, अगला हेडिंग डालो तुम, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा को ही बोला जाता है ऊष्माधारिता। हेडिंग डालो, ऊष्माधारिता या इसी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा।
प्रदर्शित किया जाता है शीश। ये होती क्या है? ये कोई पात्र है, कोई गाय है, कोई गैस भरी। इस गैस का ताप या तो आप बढ़ा दो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या बढ़ा दो 1 केल्विन। तो किसी निकाय में उपस्थित किसी पदार्थ का ताप जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाया जाता है, इस दौरान बाहर से जो भी उसमें आवश्यक होता है क्या बोला जाता है? किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ का ताप, किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है आपको ये पता है विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की हो सकती है। एक तो मैंने बताया था स्थिर आयतन की, और एक क्या थी? स्थिर दाब की। ये तो क्या बोलते हैं सी, क्या है बोलो देखिए क्या है ये? स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। और ये सीपी क्या है रे? ये है स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा। मान लेते हैं दिए गए पात्र में गैस के मोल एन है, गैस का ताप टी है, और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सी। या तो सी भी हो सकती है या सीपी हो सकती है। इस दौरान जो भी ऊष्मा बाहर से दी जाएगी उसको नाम दिया जाएगा विशिष्ट। का मतलब है ऊष्मा दो प्रकार की होती है, तो स्थिर दाब की और एक स्थिर आयतन की। जब भी इसकी परिभाषा दी जाती है ताप को या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है। इस दौरान जो भी ऊष्मा दी जाएगी उस निकाय में उपस्थित पदार्थ को वही ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट। इसका मतलब यहां से ऊष्मा के दो फॉर्मूले आए। देखो एक तो ऊष्मा का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, यहां मैं क्या लिखूं? एन सी। और एक क्या फॉर्मूला लिखूं रे? एन सी पी टी। अगर ऊष्मा में परिवर्तन ज्ञात किया जा रहा है, क्योंकि ताप में क्या किया जा रहा है? परिवर्तन। मैं क्या लिखूंगा? डेल टी। मैं भी क्या लिखूंगा? डेल। ये तो कौन सी ऊष्मा है? क्यू वी। बोले तो इसकी आयतन की। ये कौन सी ऊष्मा है? क्यू पी। ये कौन सी है? स्थिर दाब की। अब बताओ आपको एग्जाम में से सी क्या है? आप याद करो, बताओ सी वी क्या होगा? क्या होगा? क्यूवी में भाग दिया जाएगा एन डेल्टा टी का। तो बताओ ऊपर तो क्या आ गई क्यू और यहाँ क्या आ गई डेल टी। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी। ये मोल ये जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा रे? मोल इनवर्स। ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन। ये भी जाएगा ऊपर, तो क्या बन गया? केल्विन इनवर्स। ऐसे ही बताओ इसकी इकाई क्या है? वही सीपी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू एन डेल्टा टी। बताओ क्या इकाई आई? कैलोरी। वही मोल इनवर्स पर क्या आई? के एक तो ऊष्मा होती है स्थिर आयतन की और एक ऊष्मा होती है स्थिर दाब की। आयतन की ऊष्मा एन सी पी डेल्टा टी, स्थिर दाब की ऊष्मा एन सी पी डेल्टा टी। स्थिर आयतन की ऊष्मा कोई बोला गया था डेल ई, और स्थिर दाब की ऊष्मा कोई बोला गया था डेल एच। कल की क्लास में हमने बार बार पढ़ा था कि डेल एच और डेल ई क्या है, और डेल एच और डेल ई में संबंध का फॉर्मूला क्या होता है। ये मैंने आपको बताया सीपी और सीवी क्या है। और सीपी और सीबी की जो भी संबंध आता है ना वो क्या आता है? माइनस सीबी बराबर है आर। आर क्या है रे? यहाँ तो जो स्थिर दाब की और स्थिर आयतन की के बीच जो भी संबंध आता है वो क्या आता है? सीबी माइनस सीबी बराबर है आर। एक कहाँ से आया देखो, माइनस सीबी बराबर ही आर क्यों होता है?
तो ऐसे भी लिखा जा सकता है पीपी बराबर सीवी प्लस आर लेना में इधर। अब बताना ये फॉर्मूला कैसे आया, पहले बताओ उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेली क्या होता है, डेली याद करो एन सी डेल्टा टी। क्यू क्यू क्या होता है, क्यू है स्थिर दाब की, क्या होता है एन सी डेल्टा टी। ये क्या होता है डब्ल्यू कार्य क्या होता है पी डेल वी, याद करो ये भी क्या होता है एन आर डेल्टा टी। अब यहाँ से क्या कॉमन आया है, यहाँ एन डेल्टा टी कॉमन है, क्या बचा यहाँ सी वी, दोनों में से कॉमन क्या है, अरे कौन है, यहाँ भी एन डेल्टा टी है यहाँ भी एन डेल्टा टी है, तो एन डेल्टा टी कॉमन आ गया, क्या बचा प्लस आर। अब बताओ रे क्या हुआ, एन डेल्टा टी सी एन डेल्टा टी आपस में एन सी, बताओ क्या आया पी पी बराबर सी प्लस आर, तो मैं ले जाऊँ इधर, तो बताओ क्या आया पी पी बराबर सी वी माइनस आर। अब तुम ये सोचोगे यहाँ क्या आ रहा था फॉर्मूला, पी पी माइनस सी वी यहाँ क्या आया, ये देखो। अब तुम सोचोगे यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, कार्य क्या होता था, कार्य कार्य होता था माइनस डेल्टा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ये आर जाएगा इधर। अब बताओ क्या आया सी वी माइनस आर बराबर क्या आ गया सी पी, वही बात हो गई। इसका मतलब ये सिखाना चाह रहा हूँ कि सी माइनस सी बराबर आर आया कहाँ से, उष्मा गतिकी की प्रथम नियम, देख रहे हैं मोल और ताप यहाँ भी आया, मोल और ताप यहाँ भी आया, मोल और ताप यहाँ भी आ गया, इन दोनों को आपस में क्या ले लिया कॉमन, तो ये आपस में क्या हो गई एनसी, यहाँ तो क्या बचा सी वी, यहाँ क्या बचा सी, यहाँ क्या बचा हाँ, ये भी बहुत काम आएगा। क्वेश्चन लिखो देखो, तो 4 ग्राम हीलियम गैस, 4 ग्राम हीलियम गैस, 4 ग्राम हीलियम गैस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए स्थिर दाब व स्थिर आयतन की उष्मा बताओ, स्थिर दाब व स्थिर आयतन की उष्मा बताओ, और कोष्टक में लिख लो सी वी आपको दे रखा है 4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन, आपको दी जानकारी। अब देखिए तुम बताओ सबसे पहले आप एक काम करो, मैंने एक तो पूछी स्थिर आयतन की उसको बताओ फॉर्मूला क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, बताओ एन कितना बाहर बटा अनुबाद, 4 ही बाहर है 4 ही अनुबाद है, टी वी कितना दे दिया 4, डेल्टा टी में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन चाहे केल्विन में देखो चाहे परिवर्तन चाहे सेंटीग्रेड में देखो क्या आएगा एक समान। आप ऐसे सोचोगे टी टू माइनस के ताप में परिवर्तन, आप पहले सोचोगे कितना हो गया 273 में कितना जोड़ना है 100 माइनस अभी कितना करना है 273 में कितना जोड़ना है 0 अभी जोड़ अंतर तो क्या आना था 2 माइनस आया 100, अंतर तो चाहे ताप में अंतर तो चाहे आप केल्विन और चाहे सेंटीग्रेड आएगा एक ही आएगा। अब बताओ देखिए क्या आया रे यहाँ डेल्टा कितना आया 100, ये आपस में क्या हो गया 3 माइनस 400, एक तो मैंने पूछी आयतन, एक मैं पूछ रहा हूँ स्थिर दाब की, बताओ क्या फॉर्मूला आएगा एन सी टी, एन कितना बार बटा अनुवाद सीपी कितना, अब आया ना फॉर्मूला ज्ञात, पी दे रखी है और सीपी अपने को ज्ञात करना है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है नंबर आर, पी वी कितना दिया है सीपी तो हमें ज्ञात करना है, ये कितना दिया 4, आर का मान कैलोरी में होता कितना है 2, 4 जाएगा उधर, अब बताओ रे सीपी अच्छी मान रखो यहाँ आ गया परिवर्तन हुआ 100 तो और कितना आएगा 2 × 4 2 × 6 2 × 4 3 × 600 किलो, बताओ एक बार दोबारा ये भी 400 किलो, क्या जानकारी दी कोई देश किसी आयतन स्थिर पता बढ़ाया गया, मैंने पूछा अगर आयतन स्थिर हो तो उष्मा कितनी, मैंने पूछा दाब स्थिर हो तो उष्मा कितनी, आपको एक ही काम करना है कोई सी भी उष्मा हो फॉर्मूला एक ही होता है एन सी डेल्टा टी,
फिर आयतन की है तो सीवी, स्त्री दाब की है तो सीपी, और सीपी और सीवी के बीच जो भी संबंध होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस सीवी दाब है आर। अगर दी गई उसको कैलोरी में है तो आर का मान भी कैलोरी में रखना। उसमें होती क्या है, एक तो एन सी पी डेल्टा टी या एन सी पी डेल्टा टी, हेडिंग लगाओ भाई कार्य, तो देखिए ऊष्मागतिकी का कार्य होता ही क्या है, E डेल V। ऊष्मागतिकी में कार्य को, ऊष्मागतिकी में कार्य को E डेल V के रूप में, E डेल V के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है E डेल V के रूप में। अब देखो कार्य दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, आपको पता है अपने पास एक प्रक्रम तो कैसा होता है, अरे बोलो एक तो कैसा प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय, और एक कैसा होता है अनुत्क्रमणीय। अंतर बताओ रहे क्या क्या अंतर है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रम अभिक्रियाओं में क्या क्या अंतर है बताओ। देखिए पहला अंतर बताओ, ये ऐसा प्रक्रम है जिसे वापस प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि एक ऐसा प्रक्रम केवल एक ही दिशा में संभव। पहला पॉइंट लिखो, इस प्रक्रम को वापस प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि अनुत्क्रमणी में लिखो यह प्रक्रम एक दिशा में संभव। उत्क्रमणीय प्रक्रम में लिखो इस प्रक्रम को वापस प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, अभिक्रिया आगे भी जाती है और पीछे। अनुत्क्रमणी में लिखो यह प्रक्रम एक दिशा में संभव। यहां अभिक्रिया क्या होती है, सदैव ही अपूर्ण, और यहां क्या होती है पूर्ण, तो लिखो इसमें यहां अभिक्रिया सदैव अपूर्ण होती है, जबकि अनुत्क्रमणी में लिखो यहां अभिक्रिया पूर्ण होती है। अनुत्क्रमणीय में पूरा का पूरा अभिकारक पूरा का पूरा उत्पाद बना लेता है, यहां साम्य स्थिरांक का मान कितना आता था अनंत, जबकि यहां क्या आता था जीरो से ज्यादा और अनंत के बीच। देखो यहां, यहां साम्य स्थिरांक क्या आता था जीरो से ज्यादा और अनंत से क्या आता था कम, जबकि अनुत्क्रमणीय के लिए साम्य स्थिरांक आता है कितना है अनंत। डाल के लिखी उष्मा गतिकी में उत्क्रमणीय कार्य अनुत्क्रमणीय कार्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, उष्मा गतिकी में उत्क्रमणीय कार्य अनुत्क्रमणीय कार्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब हमें कार्य की गणना कहाँ कहाँ कैसे करनी है, पहला लिखो कार्य की गणना कहाँ करनी है, पहला लिखो समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में, समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, समतापी
उत्क्रमणीय परक्रम में किया गया कार्य। देखो पेन को फिर समतापी उत्क्रमणीय परक्रम में किया गया कार्य, किया गया कार्य सबसे पहला। एक बार देखो इधर, यहां पर अपने को क्या फॉर्मूला याद रखना है, कार्य हमेशा किस में आता है माइनस, कितना देंगे याद करो 2.3 एनआरटी लॉग बेस टी अपॉन वी1। लाभ और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ वी2 अपॉन वी1 आया तो पी क्या आएगा, पी1 अपॉन पी क्या आएगा, देखिए बोलो माइनस 2.3 बोलो एनआरटी बोलो आगे लॉग बेस टेन पी1 अपॉन पी2। आज के बाद आपको ऐसे बोला जाए किसी पात्र में कोई आदर्श गैस इसका आयतन इतने से इतना कर दिया जाए, दाब इतना से इतना कर दिया जाए, गैस घोल इतना है, ताप इतना, तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग बेस 3 अपॉन वी1 क्या, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग बेस 3 गिवन अपॉन पी इसका कार्य है समतापी उत्क्रमणीय परक्रमी तादृश का कार्य है। ऐसे देख 2 मोल कोई आदर्श गैस किसी पात्र में ताप पर उपस्थित है, पात्र का आयतन 50 लीटर तो किया गया कार्य क्या। अब यहाँ कार्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला में याद है माइनस 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 वी2 अपॉन वी1 या पी1 अपॉन पी। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 मोल आदर्श गैस, 2 मोल आदर्श गैस पात्र में भरी हुई, पात्र का आयतन 2 लीटर से 4 लीटर कर दिया जाए, 2 लीटर से 4 लीटर कर दिया जाए तो इस प्रक्रम में, प्रक्रम में कार्य बताओ, कार्य बताओ क्या देखिए क्या होगा बोलो। देखिए सबसे पहले माइनस 2.303 कितने मोल दे रखे हैं, 2। आर का मान रखो आज किस पे रखना है, जूल में कितना रखते तेरे 25/3। ताप कितना केल्विन है रे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है उसमें कितना ऐड करना है 273, कितना बन गया 300 गुणा आगे हो रहा है अभी तो लॉग बेस 3 वी2 कितना 4 वी1 कितना 2 यहाँ कितना बन गया है 2। अब करो देखिए क्या माइनस 2.303 कितना बार कट गया 100 बार, 25 गुणा 50 जी कितना बन गया है 5000। लॉग 2 का मान कितना आता है 0.3, काम करो पॉइंट को हटा दो तो यहाँ कितनी कर गई 2 जीरो क्या हो गया आपके। अब करो तो मान लो आप 2.3 2.5 15 5 2 10 11 तो कितना आया 11.5 तो गुणा करना है 3 5 3 15 3 1 4 3 1 3 फिर एक के बाद में 0 पॉइंट और है ये तो आया 34.5 गुणा करना है तो आ गया 345 आ गया। पहला बोलिएगा खुद कौन सा फॉर्मूला अपने को कहां याद रखना, लिखो हा समतापी उत्क्रमणीय परक्रम में किया गया, समतापी उत्क्रमणीय परक्रम कार्य आपी
अनुत्क्रमणीय परक्रम में किया गया कार्य। हकीकत में जो माइनस पीएलवी अपन बोलते हैं ना पीडीवी, ये कार्य अनुत्क्रमणीय परक्रम का होता है। और यहाँ जो भी दाब लिखा जाता है वो बाह्य वायुमंडलीय दाब लिखा जाता है, बाह्य वायुमंडलीय। तो इसका फॉर्मूला समतापी अनुत्क्रमणीय परक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, पी, यहाँ पी रखा जाता है पी एक्सटर्नल बाह्य दाब, बाह्य दाब। अब देखो यहां से आज दिन तक आया तो मतलब क्या बात का मतलब, मान लो ये कोई पात्र इस कंडीशन तो मतलब क्या होता है बात का मतलब, की वायु या गैस आसपास में क्या है अनुपस्थित। अब मैं इस पात्र में कोई छेद कर दिया और ये गैस या लगातार क्या निकल रही है बाहर निकल रही है, या पूछो इस आदर्श गैस का कितना खाली किया, शुरुआत में उपस्थित किस पात्र में छेद कर दिया और ये गैस लगातार बाहर निकल रही, तो आज इस गैस के द्वारा कितना, ये मैंने यहाँ क्या लिखा बाहरी वायुमंडलीय, ये होता कब है जब बाहर कोई गैस उपस्थित है, आज यहाँ बाहर कोई गैस है ही नहीं, जब बाह्य दाब भी जीरो हो जाएगा तो कार्य भी कितना होगा, इसी आदर्श गैस की शुरुआत में प्रसार के दौरान, बाद में प्रसार के दौरान क्या गया कार्य जीरो होता है, क्या गया कार्य जीरो होता है, क्यों होता है देखिए बताओ, बताओ क्या कारण है, क्योंकि यहाँ बाह्य वायुमंडलीय दाब शून्य होता है, क्योंकि यहाँ बाह्य वायुमंडलीय दाब शून्य होता है, शून्य होता है। क्या आज की क्लास में हमने कार्य ज्ञात करना सीख रहे हैं, गतिकी में कार्य कैसे ज्ञात किया जाता है,